पिछले 2 लाख सालों में एक लंबा सफर तय कर चुके और जंगलों में शिकार करने से लेकर आज उन्नत तकनीकियों से खेलने वाले हम मानव सभ्यता हमेशा से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे हैं। और सबसे खास बात ये रही है कि हमारी प्रजाति पर इस प्रकृति की खासी मेहरबानी भी रही है, जिसकी बदौलत इतने सालों में हम काफी कुछ सीखने, जानने और समझने में सक्षम हो पाए हैं। और इस जीवनदायिनी धरती से आसमान पर नजर डालने पर दिखने वाले इस ब्रह्मांड के नज़ारे को देखकर एक सवाल हमने हमेशा से उठाया है कि क्या हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था? अगर नहीं तो इसे किसने बनाया है? कुल मिलाकर ये ब्रह्मांड आया कहाँ से है? जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रह्मांड वो सब है जो हम अपनी आँखों के साथ साथ आधुनिक दूरबीनों की मदद से देख सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक आज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सिद्धांत की जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है, द बिग बैंग थ्योरी। तो क्या है ये थ्योरी और कैसे अस्तित्व में आई, जानने के लिए बने रहना होगा आपको इस वीडियो के आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। जनरल रिलेटिविटी फ्रेडमैन मॉडल पर आधारित द बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो इस यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर सबसे ज्यादा मान्य मानी जाती है, जो ये बताती है कि हमारा यूनिवर्स आज से 13.8 अरब वर्षों पहले एक बहुत ज्यादा गर्म, घनी और सघन अवस्था में था। जी हाँ, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के लिए एक ऐसा कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है जो ये बताता है कि कैसे हमारा यूनिवर्स उच्च घनत्व और उच्च तापमान वाली जगह से कैसे एक्सपैंड होना शुरू हुआ और उसके बाद कैसे कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से इस यूनिवर्स में मैटर यानी पदार्थ का निर्माण होना शुरू हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के मुताबिक आज हम जिस ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं वह हमेशा से ऐसा मौजूद नहीं था। इसमें ना तो कोई तारा, गैलेक्सी, यहाँ तक कि कोई एटम भी मौजूद नहीं था, बल्कि ये एक गर्म, घने और सघन बिंदु से फैलते हुए धीरे धीरे ठंडा और ज्यादा ठंडा होता गया। बेहद शुरुआती फैलाव के कारण और ठंडा होने के चलते ऐसी माकूल परिस्थितियां बनी जिनके चलते निर्माण हुआ सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, और इनके चलते एटम्स का। और इन मौलिक तत्वों जो हिस्सा थे ज्यादातर शुरुआती हाइड्रोजन, कुछ हीलियम और लिथियम का, इनकी मिलीजुली ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से बने जायंट क्लाउड्स ने आगे चलकर निर्माण किया बेहद शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं का, जिनके वंशजों को आज हम देख पा रहे हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये ब्रह्मांड अनंत और एजलेस है, यानी इसकी कोई उम्र नहीं है। लेकिन उसके बाद सन 1915 में पब्लिश्ड हुई सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की क्रांतिकारी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से हमें ग्रेविटी की एक बेहतर समझ मिली। इससे हमें ग्रेविटी के मैकेनिज्म को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। इस थ्योरी में एक टाइप के स्पेस टाइम की हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना की गई है, जिसमें होने वाला कर्वेचर क्रिएट करता है ग्रेविटी को। और इतना ही नहीं, इसके द्वारा आइंस्टाइन ने सूर्य के नजदीकी ग्रह मर्क्यूरी की परिक्रमा की सटीक भविष्यवाणी और ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व की कल्पना भी की थी, बाद में जिसकी मैथमेटिकली पुष्टि भी की गई थी। और साथ ही साथ ये भी भविष्यवाणी की गई कि ये ब्रह्मांड जो कि पदार्थ से भरा हुआ है और जिसे स्थिर यानी अपरिवर्तित माना जाता रहा था, समय के साथ साथ अस्थिर होता जाएगा। लेकिन रशियन मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर फ्रेडमैन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यानी फैल रहे ब्रह्मांड की कल्पना को सबके सामने रखा था। और यह उनकी सिर्फ कल्पना भर नहीं थी, उन्होंने इसे मैथमेटिकली प्रूव्ड भी किया था। इसके लिए उन्हें द मैन हु मेड द यूनिवर्स एक्सपेंड भी कहा गया था। और सन 1927 ही वो साल था जिसमें एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन जॉर्जस लेमेत्री ने ये विचार रखा कि इस यूनिवर्स की शुरुआत एक प्राइमल एटम यानी एक बिंदु से हुई है, जिसे आज बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस वक्त तक उनकी बात पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद सन 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के दौरान रेडशिफ्ट थ्योरी की हेल्प से पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड वाकई में फैल रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से तेजी से दूर जा रही हैं। फ्रेडमैन के स्टूडेंट रहे जॉर्जी गमोवा के अकॉर्डिंग जो भी मैटर क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से बना था वह अपने हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन की वजह से थर्मल रेडिएशन को रिलीज कर रहा होगा। दरअसल थर्मल रेडिएशन
एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जो कि किसी भी चीज के गर्म होने के चलते रिलीज होता है। उदाहरण के तौर पर आप भट्टी से निकाले गए गर्म लोहे के लाल रंग को देख सकते हैं। जी हाँ, लोहे की वह लाल रंग की चमक ही थर्मल रेडिएशन कहलाती है और यह थर्मल रेडिएशन हमारी बॉडी भी रिलीज करती है और समय के साथ साथ ही ठंडा होने पर यह रेडिएशन गायब हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ही जब शुरुआती स्टेज में हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म और डेंस था तो उसका ये रेडिएशन लार्ज स्केल पर मौजूद होना चाहिए और यही थर्मल रेडिएशन आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसे मई 20, 1964 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स रॉबर्ट विल्सन और आर्नो पेंजियस के द्वारा एक्सीडेंटली खोजा गया था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हॉट बिग बैंग थ्योरी मॉडल के पक्ष में महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ और इसने ही बिग बैंग थ्योरी मॉडल को विज्ञान जगत में एक एक्सेप्टेड थ्योरी का दर्जा दिलाया। और तो और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की इसी खोज ने रॉबर्ट विल्सन और आर्नो पेंजियस को नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। फ्रेंड्स, बिग बैंग कॉस्मोलॉजी में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे शुरुआती ब्रह्मांड के द्वारा छोड़ा गया प्रकाश है। इसे रिलिक रेडिएशन भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे शुरुआती चरण के ब्रह्मांड का सबूत है, यानी कि ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है, जो ये बताता है कि शुरुआती स्टेज में हमारा ये ब्रह्मांड सही में बहुत ज्यादा गर्म था। बिग बैंग को अक्सर ही हम ये समझ बैठते हैं कि ये एक धमाके जैसा हुआ होगा, लेकिन नहीं, ये पदार्थ को बाहर की ओर फेंकने वाला कोई विस्फोट नहीं था। विस्फोट की बजाय ये ब्रह्मांड के स्पेस का रैपिड एक्सपेंशन था। खैर, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें बिग बैंग से पहले क्या था इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो कभी जान भी नहीं पाएंगे। तो बिग बैंग के शुरुआती स्टेज में यूनिवर्स यानी कि सारा मैटर और एनर्जी एक बहुत ही छोटे से हिस्से में कंप्रेस था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। उसके बाद बहुत ही कम समय, 1 सेकंड के बहुत छोटे से छोटे हिस्से में स्पेस बहुत तेजी से एक्सपेंड होने लग गया और ये स्टेज कहलाई इन्फिलेशन। और समय के लगभग 1.34 सेकंड में ही ब्रह्मांड अपने शुरुआती चरण से 10^30 टाइम्स तक फैल चुका था। और तब सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स कम्बाइंड होकर हेड्रॉन यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और लेप्टॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बनाने लगे। और तब मैटर और एंटी मैटर की दौड़ में मैटर की जीत हुई। इसी कारण से आज हम एंटी मैटर को नहीं देख पाते हैं। आधुनिक भौतिकी में एंटी मैटर को मैटर के रूप में ही परिभाषित किया गया है, जो ऑर्डिनरी मैटर के संबंधित कणों के एंटी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जहां ऑर्डिनरी मैटर के पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखे जाते हैं, वहीं एंटी मैटर के पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन के विपरीत पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन के विपरीत एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विपरीत एंटी न्यूट्रॉन होते हैं। खैर, अब पहले की तुलना में यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हो चला था और अब इस स्टेट में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइंड होकर निर्माण करने लगे थे हाइड्रोजन के अणुओं का। फिर कुछ समय और बीतने के बाद जब तापमान थोड़ा और ठंडा हुआ तो इस समय के दौरान सारे एटम्स केवल हाइड्रोजन गैस के ही थे, इसलिए इस टाइम पीरियड को कहा गया द कॉस्मिक डार्क एज, क्योंकि इस दौरान भी ब्रह्मांड अंधकार में था और तारों का निर्माण नहीं हुआ था। फिर कुछ लाखों सालों बाद ग्रेविटी की वजह से ये हाइड्रोजन गैस के अणु एक जगह पर एकत्र होने के कारण निर्माण करने लगे बड़े बड़े जाइंट क्लाउड्स का, जिस वजह से हाइड्रोजन के अणुओं ने फ्यूजन के चलते हीलियम का निर्माण करना शुरू कर दिया और तब इन्हीं बादलों में कहीं जाकर तारों का जन्म होने का सिलसिला शुरू हुआ और हमारा यूनिवर्स पहली बार प्रकाश से रूबरू हुआ। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में नहीं बताती, बल्कि बताती है कि शुरुआती स्टेज में हमारा यूनिवर्स बहुत छोटा हुआ करता था और फिर किसी अननोन रीजन की वजह से स्पेस का एक्सपेंशन शुरू हुआ। जी हाँ, एक्सपेंशन स्पेस का हो रहा है। एक बिंदु जहाँ पर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था, उस छोटी सी डेंस जगह से पहले क्या था के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम ये नहीं जानते कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या होगा या फिर क्या रहा होगा, और उसको समझने के लिए हमें एक सिद्धांत यानी थ्योरी की जरूरत है जो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाइड कर सके, जिस पर बहुत से अनगिनत वैज्ञानिक अभी काम कर रहे हैं। बिग बैंग की शुरुआत कैसे हुई या फिर स्वाभाविक रूप से क्या हुआ होगा को हम फिजिक्स के लॉज के जरिए अभी तक नहीं समझा पाए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि बिग बैंग यूनिवर्स के जन्म की बात नहीं बताता, बल्कि यूनिवर्स के एवोल्यूशन के इतिहास के बारे में बात करता है।
और कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक है, यानी यह हर दिशा में समान रूप से बढ़ रहा है और हर दिशा से देखने पर यह समान दिखाई पड़ता है, क्योंकि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन हर दिशा में होमोजेनियस यानी के समान है। और यह ये भी शो करता है कि मैटर यानी पदार्थ किसी बिंदु से बाहर की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बल्कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष समान रूप से एक्सपेंशन यानी कि विस्तार कर रहा है। यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, जबकि स्पेस की लिमिट्स हैं। वेल फ्रेंड्स, वैसे तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर विज्ञान जगत और धर्म जगत में हमेशा से कई विवाद रहे हैं, और बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो बिग बैंग थ्योरी का विरोध करते हैं। पर आपका क्या मानना है बिग बैंग थ्योरी को लेकर? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते ही मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।